हाय गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो नॉलेज में। धरती पर जानवरों की लाखों प्रजातियाँ मौजूद हैं। सभी प्रजातियाँ एक दूसरे से भिन्न भी हैं, जो अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण लोगों को हैरान करती हैं। कोई जानवर कई दिनों तक भूखा रह सकता है, तो कोई कई दिनों तक पानी पिए बिना भी रह सकता है। जानवरों में रंग बदलना भी उन्हीं आश्चर्यजनक चीजों में से है, जिनमें गिरगिट भी ऐसे जीवों में से एक है जो रंग बदलने वाली श्रेणी में सबसे उत्तम माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलती है? दरअसल सर्वप्रथम जिनेवा यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक गिरगिट के रंग बदलने के पीछे शारीरिक प्रक्रिया है। गिरगिट माहौल के हिसाब से रंग बदल लेती है, क्योंकि उसकी त्वचा में फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होती है जो कि प्रकाश के परावर्तन को प्रभावित करती है और गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गिरगिट सिर्फ शिकारियों या अपने बचाव के लिए ही अपना रंग नहीं बदलती, बल्कि अपनी अलग अलग भावनाओं जैसे गुस्सा, दूसरे गिरगिटों को अपना व्यवहार दिखाने और इस माध्यम से संवाद करने के लिए भी अपना रंग बदलती है। यही नहीं, खतरे की स्थिति में वह अपने रंग के साथ साथ आकार बदलने में भी माहिर होती है। यानी गिरगिट अपने शरीर को फैलाकर अपना आकार भी बड़ा कर सकती है। हालांकि गिरगिट की सभी प्रजातियां खुद को हर रंग नहीं दे सकती, जिनमें से एक जीसस लिजर्ड है जो पानी की सतह पर 8.4 की गति से चल सकती है। गिरगिट वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान तक विश्व के कई गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी विभिन्न प्रकार की जाति विश्व भर में मौजूद हैं। गिरगिट में कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं जो अन्य सरीसृप वर्गों में नहीं पाई जाती। जैसा कि गिरगिट के पैर पंछियों की तरह होते हैं, जिसमें दो पंजे पीछे की ओर सज्जित होते हैं, जिन पर यह दाएं बाएं झूलती हुई चलती हैं। इनकी जीभ बहुत तेजी से बाहर आने वाली होती है, जिनसे ये कीट व अन्य ग्रास पकड़ते हैं। इनके माथन और थूथन पर कांटे जैसे सींग और चोटियां होती हैं, और बड़ी गिरगिटों की पूंछ अक्सर लंबी और लचीली होती है, जिस पर वह टहनियाँ पकड़कर चढ़ने में निपुण हो पाती हैं। इनकी आंखें अलग अलग होती हैं, लेकिन शिकार करते हुए संगठित रूप से एक साथ काम करती हैं। गिरगिट को लेकर कई रीति रिवाज भी मनाए जाते हैं, जैसा कि राजस्थान के मारवाड़ी भाषा में इसे कागीटा या काकीड़ा कहा जाता है। जब इसकी गर्दन का रंग गहरा लाल हो जाता है, तो राजस्थान के निवासी इसे वर्षा के आने का शुभ संकेत मानते हैं। और वहीं दूसरी ओर इसकी गर्दन का रंग गहरा लाल हो जाता है, तो वनवासी अंचल में इसे देखने पर अशुभ मानकर इसे मार दिया जाता है और विधिवत इसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। परंतु हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कई जीव लुप्त हो गए हैं तो कई जीव लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। इसलिए हमें जीवों का संरक्षण करना चाहिए, तभी प्रकृति बची रह सकती है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।